दोस्तों, जब आप एक नया फोन खरीदते हो तो उसमें क्या देखते हो? एक अच्छा कैमरा, एक फास्ट प्रोसेसर, स्मूथ डिस्प्ले, लॉन्ग बैटरी बैकअप, हाई रैम, ज्यादा मेमोरी वगैरह वगैरह। और ये आज के वक्त में, हो सकता है आने वाले कुछ और सालों में और भी काफी क्राइटेरियाज इसमें ऐड हो जाएं। एक फोन में कितनी अजीब बात है ना कि एक पॉकेट की साइज के एक फोन में आज दुनिया भर की चीजें हैं। एक फोन जिसका आविष्कार सिर्फ इसलिए हुआ था ताकि लोग एक दूसरे से दूर होते हुए भी बात कर सकें। तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि इसी फोन में एक दिन फोटोज और वीडियोस भी देखे जाएंगे। एक वक्त था जब पॉकेट में डालना तो दूर, इसी फोन को घर से बाहर ले जाना भी मुमकिन नहीं था। और ये बात सिर्फ फोन्स के ही बारे में नहीं है दोस्तों, इस दुनिया का हर चीज, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, उसमें बदलाव आया ही है। फिर चाहे वो फैशन सेंस हो, शॉपिंग एक्सपीरियंस हो, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो, ऑटोमोबाइल्स हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, मेडिकल साइंस हो, एस्ट्रोनॉमी, जीडीपी, यहाँ तक कि कल्चर और ट्रेडिशंस भी, हर चीज में वक्त के साथ साथ इम्प्रूवमेंट आया ही है। और इसका एक लौता रीजन है चेंज, बदलाव। हर पुरानी चीज को जाना होता ही है ताकि एक नई चीज उसकी जगह ले सके, इसी को बदलाव कहते हैं। और बदलाव ही इस दुनिया का सबसे बड़ा सच है दोस्तों, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। ये सिर्फ जरूरी नहीं, ये अटल है, इसे टाला नहीं जा सकता, रोका नहीं जा सकता, बस अपनाया जा सकता है। और ये इस दुनिया का बदलते रहने का स्वभाव ही है दोस्तों, जो इसे पहले से बेहतर बनाता है, हमारी जिंदगी को हमारे पिछले जनरेशन की जिंदगी से बेहतर बनाता है। लेकिन ये जानने के बावजूद कि ये चेंज कितना जरूरी है, बहुत लोग इस चेंज से, इस बदलाव से हमेशा दूर भागते हैं। शायद आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी किताब जो हमें ह्यूमन बीइंग्स का चेंज की तरफ रिस्पांस को समझने में हेल्प करेगा। और इस किताब का नाम है Who Moved My Cheese by Spencer Johnson। बुक इनसाइट्स के आज के वीडियो में मैं आलोक आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। और इसी के साथ शुरू करते हैं जनाब आज की किताब, कहानी का बैकग्राउंड। तो दोस्तों, ये किताब है एक कहानी के बारे में जो चार कैरेक्टर्स के अराउंड रिवॉल्व करती है। दो चूहे स्निफ और स्करी, और दो चूहों के साइज के इंसान हेम और हॉ। तो ये कहानी है इन चार प्राणियों के बारे में जो एक मेज में, यानी कि एक भूल भुलैया में, चीज को ढूंढने निकलते हैं। बेसिकली ऑथर इस कहानी को जिंदगी के साथ रिलेट करते हैं, जिसमें चीज वो दर्शाता है जो हमें अपनी जिंदगी में चाहिए होता है, चाहे वो नौकरी हो, रिलेशनशिप हो, पैसा हो, घर, गाड़ी, हेल्थ, पीस वगैरह वगैरह। और ये भूल भुलैया उस जगह को दर्शाता है जहां आप उस चीज को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे आपका ऑफिस हो गया या आपकी कॉलोनी वगैरह वगैरह। इन चारों कैरेक्टर्स के बिहेवियर्स कुछ इस तरह हैं। स्निफ, जो कि बदलाव को जल्दी पहचान लेता है। स्करी, जो कि बदलाव के लिए जल्दी एक्शन लेता है। हेम, जो कि बदलाव को मानने से इनकार करता है या उसे रोकने की कोशिश करता है या फिर उससे दूर भागता है। हॉ, जो वक्त के साथ साथ धीरे धीरे बदलाव को अपना लेता है जब उसे ये पता चलता है कि बदलाव में उसका फायदा है। अब दोस्तों, ये चारों कैरेक्टर्स उस भूल भुलैया में अपने अपने तरीकों से चीज ढूंढने निकलते हैं। अब देखना यह है कि इनके साथ आगे क्या होता है। पहला स्टेज, चीज का मिलना। अपने अपने तरीकों से मेज में घूम फिर के चारों स्टेशन सी नाम के एक स्टेशन पर पहुंचे, जहां उन्हें चीज का एक बड़ा सा टुकड़ा मिला। वो चीज इतना बड़ा था कि उसे देख के लग रहा था कि काफी दिन तक अब उनके खाने की कोई टेंशन नहीं होगी। अब जब चीज मिल ही गया था तो अब सबने अपने अपने अलग अलग रूटीन बना दिए। चूहे रोज सुबह जल्दी उठते थे और मेज में हमेशा की तरह दौड़ लगाते हुए स्टेशन सी तक पहुंचते थे। फिर चीज को चेक करने के बाद चीज खाकर आराम से पेट भरते थे। उनका रूटीन ज्यादा कुछ बदला नहीं था, मगर हेम और हॉ की बात ही कुछ अलग थी। शुरू शुरू में वो भी जल्दी उठकर दौड़ लगाकर स्टेशन से पहुंचते थे और चीज का मजा लेते थे, मगर कुछ दिन बाद उनके रूटीन में खतरनाक बदलाव आया। अब वो रोज थोड़ा और लेट उठते, धीरे धीरे तैयार होते और दौड़ लगाने की जगह आराम से हिलडुल कर स्टेशन से पहुंचते। अब क्योंकि उन्हें पता था कि चीज कहीं जाने वाला तो है नहीं, तो वो आराम से रिलैक्स होकर जाते। और वहां स्टेशन पर पहुंचकर भी उन्हें कोई जल्दी नहीं थी, आराम से वहां बेफिक्र होकर लेट जाते, उस स्टेशन को अपना दूसरा घर ही समझते। हेम कहता, क्या जिंदगी है, जितना चीज है यहाँ, हमारी जिंदगी तो आराम से कट जाएगी। दोस्तों, ये बस इस कहानी में ही नहीं बल्कि इंसान की असली फितरत है। जब इंसान कोई ख्वाहिश रखता है तो उसके पीछे दिलो जान से भागता है, मगर जैसे ही वो चीज उसे हासिल हो जाती है तो वो अपने पैर पसार कर आराम से बैठ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर, आपने किसी इंसान को कभी लॉटरी मिलते देखा है? 90% लोग लॉटरी लगने के बाद खुशी से पागल हो जाते हैं और उसे बेझिझक खर्च कर देते हैं, बिना ये सोचे कि कल क्या होगा। उनमें से बस कुछ ही लोग होते हैं जो उसे वाकई में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच पाते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि जब एक इंसान काम के पीछे भागता है तो अपनी जान लगा देता है, पूरी प्रिपरेशन करता है, मगर जैसे ही उसे वो काम मिल जाता है तो काफी लोग आराम फरमा लेते हैं, उस काम में मेहनत करने की जगह ढील दिखाने लगते हैं। और रिजल्ट ये होता है कि जो काम उन्हें मिली होती है, वक्त के साथ साथ वो भी छीन ली जाती है। दूसरा स्टेज, चीज खत्म। तो दोस्तों, हमारे चार साथी रोज अपने अपने वक्त में आकर चीज को चट कर जाते थे और धीरे धीरे चीज खत्म होने लगा। और क्योंकि काफी दिन भी हो चुके थे तो बचा हुआ चीज खराब भी होने लगा था। स्निफर्स करी रोज अपना रूटीन सेम रखते और पहुंचकर रोज उस चीज का मुआयना करते कि सब ठीक है या नहीं, मगर हेम और हॉ अपने एटीट्यूड में इतने मस्त हो चुके थे कि उन्हें चीज में कोई बदलाव दिखा ही नहीं। आखिरकार एक ऐसा दिन आया जब स्टेशन सी में खाने लायक चीज बचा ही नहीं।
चूहे इसके लिए बिल्कुल तैयार थे। जैसे उन्होंने ये देखा, नई चीज की तलाश में निकल पड़े। मगर हैम और हॉकी बात ही कुछ और थी। सबसे पहले तो वहाँ कोई चीज ना पाकर उनकी चीखें निकल गई। अरे हमारा चीज कहाँ गया? उसकी जगह ये सड़ा हुआ चीज यहाँ कैसा है? वो ऐसे चिल्लाने लगे जैसे कोई वहाँ आसपास है और उनकी आवाज सुनकर वो चीज लौटा देगा। वो इधर उधर पागलों की तरह ढूंढने लगे और उनके जबान पे बस एक ही बात थी, Who moved my cheese? मेरा चीज आखिर कौन ले गया? हैम और हॉ को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये उनके साथ क्या हो रहा है। ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये भगवान ने हमारे साथ सही नहीं किया, इतनी मेहनत करके हमें ये चीज मिला था, आखिर ऐसे कैसे कोई हमसे ये छीन सकता है। फिर उनका ध्यान उन चूहों पर गया। ये किधर गए? यानी कुछ ऐसा पता लग गया जो हमें नहीं पता? अरे वो तो बस चूहे हैं, उनको क्या पता। हॉ ने सोचते हुए कहा, दोस्त वक्त बदल चुका है, हमें भी कुछ करना होगा। अरे हम क्यों कुछ करें, गलती हमारी थोड़ी है कि यहाँ चीज नहीं है। दरअसल हैम बदलाव के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं था। इसी बीच स्निफर्स करी दौड़ लगाते हुए एक नए स्टेशन स्टेशन एंड पर पहुंचे, जहां उन्हें पहले से भी कहीं ज्यादा चीज मिला। दोस्तों यहां स्निफर्स करी उन लोगों को दर्शाते हैं जो बदलाव को जल्दी देख भी लेते हैं और उसके साथ अडाप्ट भी हो जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि वक्त बदल गया है और हमें भी बदलना होगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं। दोस्तों आप सबने नेटफ्लिक्स का नाम तो सुना ही होगा। नेटफ्लिक्स 1997 में ओरिजिनली एक डीवीडी रेंटिंग कंपनी थी जो लोगों के घर रेंट में डीवीडी कैसेट्स पहुंचाती थी और मूवीज देखने के बाद लोग वो डीवीडी वापस कर देते थे। मगर 1999 में जब उन्होंने ये देखा कि लोग सब्सक्रिप्शन मॉडल का यूज कर रहे हैं, तो उन्होंने जल्द ही अपना भी एक मंथली सब्सक्रिप्शन प्लान बना दिया, जैसे कि $22 हर महीना दो और जितने चाहो उतने मूवीज देखो। इस स्ट्रेटेजी ने उस कंपनी को और ज्यादा ऊंचाइयों पे पहुंचा दिया। मगर इतना ही नहीं दोस्तों, 2010 में जब नेटफ्लिक्स ने ये देखा कि कैसे इंटरनेट का जमाना आ रहा है, तो उसने भी उसे ध्यान में रखते हुए अपना पहला स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बना दिया, जिससे लोग इंटरनेट से ही मूवीज और शोज देख सकते थे। पहले तो ये काफी रिस्की लगा, मगर उन्हें पूरा भरोसा था कि इंटरनेट का जमाना अभी और बढ़ेगा। और जब वक्त के साथ साथ इंटरनेट बैंडविड्थ बढ़ा, तो नेटफ्लिक्स ने तहलका मचा दिया। लोग टीवी नेटवर्क्स में टाइम टेबल पे शोज देखने की जगह नेटफ्लिक्स में अपने मन मुताबिक टाइम के हिसाब से शोज देखना ज्यादा पसंद करने लगे। डीवीडीज को रेंट पे लेने की झंझट की जगह मूवीज डायरेक्ट इंटरनेट से ही स्ट्रीम करके देखने लगे। अब उन्हें ये सब देखने के लिए घर पे रहने की जरूरत नहीं थी, वो बाहर घूमते हुए या काम करते हुए फोन पर ही सब कुछ देख सकते थे। और इस तरह नेटफ्लिक्स 21st सेंचुरी का टॉप डिस्ट्रप्टर बन गया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो बदलाव को वक्त पर देख पाया और अपने आप को उसके हिसाब से बदल पाया। तीसरा स्टेज, हॉ का आगे बढ़ जाना। हैम और हॉ का अब ये रोज का हो गया था। वो रोज वही चीज की उम्मीद लिए उस स्टेशन पर आते और अपनी किस्मत को खोजते। दिमाग में ये डर भी था कि कहीं हम यहीं पड़े पड़े भूख से ना मर जाएं। बस बहुत हो गया, अब चलते हैं। नहीं, मैं इस जगह को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, ये जगह अच्छी है, मुझे इसकी आदत हो चुकी है। और वैसे भी बड़ी मुश्किल से ढूंढी थी ये जगह, अब इसको छोड़ के बाहर क्यों जाएं? और क्या गारंटी है कि बाहर चीज मिलेगा? और फिर अगर वहाँ खो गए तो चीज नहीं मिलेगा वो अलग, भूख से मर जाएंगे वो अलग। भाई मैं तो नहीं चाहता। हेम की बात एक तरह से सही थी। हॉ को भी स्टेशन सी को छोड़कर वापस भूल भुलैया में जाने में डर लग रहा था, इसलिए उसने भी बाहर निकलने की सोच छोड़ दी। फिर वैसे ही सब कुछ दिन और चला, मगर अब उनकी भूख हदें पार कर रही थी। बिना खाने के शरीर कमजोर होता जा रहा था। बस अब हॉ से और रहा नहीं गया। तुम फिर ये जगह छोड़ने के बारे में सोच रहे हो क्या? अरे चुपचाप यहाँ बैठकर इंतजार क्यों नहीं करते, सब ठीक हो जाएगा। तुम आखिर समझ क्यों नहीं रहे हो, यहाँ कोई चीज नहीं है और ना ही कभी होगा। और अगर बाहर भी कोई चीज नहीं मिला तो शायद बाहर चीज मिलेगा, शायद बाहर चीज नहीं मिलेगा, लेकिन अगर यहाँ रुके रहे तो डेफिनेटली नहीं मिलेगा। हैम बिल्कुल भी स्टेशन सी को छोड़ने के मूड में नहीं था, वो अपने कम्फर्ट जोन में पूरी तरह घुस चुका था। हॉ ने जोर नहीं डाला, मगर अब वो वहाँ रुक नहीं सकता था, इसीलिए वो अकेले ही निकल पड़ा। उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी, काश मैं और पहले ही यह जगह छोड़कर नई चीज की तलाश में निकल जाता। जबकि हैम के दिमाग में अब भी वही बात थी, Who moved my cheese? दोस्तों ये बदलाव हमें सुनने में जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं, काफी रिस्की है ये, इसीलिए अक्सर लोग इससे डर कर पीछे हट जाते हैं कि कहीं कुछ बड़ा नुकसान न हो जाए। कोडैक अपने वक्त में फिल्म कैमरा का एक बेताज बादशाह हुआ करता था, 80 साल तक उसने मार्केट पे राज किया। दोस्तों कोडैक ही वो कंपनी थी जिसने कैमरास को प्रोफेशनल स्टूडियो से उठाकर घर घर तक पहुंचा दिया। अब लोग घर बैठे बैठे फोटोज खींचने का मजा उठा सकते थे। इससे कोडैक को अपने बिजनेस में बहुत ज्यादा फायदा होने लगा, इतना ज्यादा कि वो अपने बिजनेस को बड़ा करता चला गया, अपने प्रोडक्ट्स की बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बना दी। मगर कहानी में ट्विस्ट तब आई जब डिजिटल का जमाना आया। लेकिन कोडैक अपने सक्सेस के घमंड में इतना चूर हो चुका था कि उसने सोचा कि मेरे बिजनेस ने 80 साल तक मार्केट पर राज किया है, इतनी बड़ी बिजनेस गलत कैसे हो सकती है, लोग पेपर पे फोटोज को छूने का मजा कभी नहीं छोड़ेंगे। दरअसल सबके पीछे कोडैक का थोड़ा डर भी था, उसने अपनी इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज खड़ी कर दी थी कि अब अगर वो डिजिटल की तरफ चला जाता तो इन सब फैक्ट्रीज को बंद करना पड़ता। मगर वो इस नुकसान से बचने के चक्कर में आने वाले बड़े नुकसान को देख ही नहीं पा रहा था, ठीक उसी तरह जिस तरह हैम स्टेशन सी के बाहर निकलना नहीं चाहता था। लेकिन वक्त बदलता जा रहा था, लोग डिजिटल फोटोज को पसंद करने लगे थे, उन्हें वो पेपर वाले फोटोज की जरूरत नहीं थी। कोडैक को बार बार फीडबैक्स मिले, लेकिन कोडैक अपने कंफर्ट जोन में इतना डूबा हुआ था कि उन्होंने अपने तरीकों से बाहर निकलने का कभी सोचा ही नहीं। देखते ही देखते दुनिया डिजिटल पे चली गई और कोडैक वहीं का वहीं रह गया। बाद में उसने डिजिटल की तरफ जाने की कोशिश की, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आखिरकार 2011 में वो कंपनी पूरी तरह बैंकरप्ट हो गई। चौथा स्टेज, हॉ का डर।
अब हमारा हॉ अकेले अकेले चीज ढूंढने बाहर निकल तो गया, मगर उसे डर भी बहुत ज्यादा लग रहा था। इसलिए उसने दीवार पे लिख दिया, अगर तुम्हें डर नहीं लगता तो तुम क्या करते। जवाब उसके दिमाग में आया कि अगर उसे डर नहीं लगता तो वो और भी पहले नई चीज की खोज में निकल गया होता। इसका मतलब कि जो वो कर रहा है वो बिल्कुल सही है। ऐसा सोच के उसे और ज्यादा हिम्मत मिली। दोस्तों, कभी कभी डर लगना जरूरी है, क्योंकि ये डर ही है जो हमें एक्शन लेने पर मजबूर करता है। लेकिन जो डर से इतना ज्यादा डर जाए कि एक्शन ही ना ले, वो अपनी ही वाट लगा बैठता है। अगर एक स्टूडेंट का एक हफ्ते बाद एग्जाम है और उसने अभी तक पढ़ाई नहीं की है तो उसे डर लगेगा, और इस डर से वो अगला एक हफ्ता पागलों की तरह पढ़ेगा और शायद इससे वो एग्जाम में पास भी हो जाए। लेकिन अगर वो अपने डर से इतना डर जाए कि एग्जाम ही ना देने का फैसला कर बैठे, तो क्या इससे किसी का भला होगा। दोस्तों, डर से भागने का कोई फायदा नहीं होता, आगे बढ़ने के लिए डर को पार करना ही पड़ता है। वो कहावत है ना, डर के आगे जीत है। शायद हमारे हॉ ने भी वो कहावत सुन रखी थी, इसीलिए वो आगे बढ़ता चला गया और जहाँ जहाँ से वो गुजरता उन दीवारों पे मार्क छोड़ देता, ताकि अगर हेम स्टेशन सी से बाहर कभी आए तो उन मार्क्स का पीछा करते करते हॉ तक पहुँच जाए। अपने मोटिवेशन के लिए हॉ अपने दिमाग में अपने आप को चीज खाते हुए इमेजिन करता था, और ये सोचकर उसे और ज्यादा मोटिवेशन मिल जाती थी और वो और तेजी से आगे बढ़ता। इस टेक्निक को विजुअलाइजेशन टेक्निक कहते हैं। दोस्तों, इसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो थिंक एंड ग्रो रिच बुक की समरी जरूर देखिएगा। अब वक्त बीतता जा रहा था और जैसे जैसे हॉ आगे बढ़ता जा रहा था, उसका डर धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। उसे इस सफर की आदत लगने लगी थी। अपने ही डर की वजह से वो अपने आप को भूल गया था। अब उसे अपना पुराना वक्त याद आ रहा था जब वो पहली बार चीज ढूंढने निकला था। वो भूल ही गया था कि इस सफर में भी कितना ज्यादा मजा है। न जाने कितना वक्त हो चुका था जब उसे आखिरी बार इतनी खुशी महसूस हुई थी। आगे बढ़ने की खुशी, एक नई मंजिल की ओर कदम बढ़ाने की खुशी, एक नई उम्मीद की खुशी। पांचवा स्टेज, हॉ नया स्टेशन पहुंचा। आखिरकार जैसे तैसे हॉ एक स्टेशन पे पहुंचा तो सही, मगर स्टेशन में कोई चीज नहीं था, बस चीज के कुछ टुकड़े पड़े हुए थे। शायद कुछ ही देर पहले कोई और वहां की चीज खा गया था। अब हॉ को और अफसोस होने लगा, अगर वो थोड़ा पहले निकल गया होता तो आज स्टेशन का चीज उसके नाम होता। दोस्तों, बहुत बार हम बदलाव को अपनाने में देर कर देते हैं, और जब तक हम एक्शन लेते हैं तब तक काफी मौके हाथ से छूट जाते हैं। कहते हैं ना, द अर्ली बर्ड गेट्स द वर्म। मगर फिर भी इसका मतलब ये नहीं कि हमें थककर हार मान लेना है, और ना ही हॉ ने हार मानी, बल्कि अब तो उसका आत्मविश्वास और स्ट्रांग हो गया कि अब उसकी मंजिल ज्यादा दूर नहीं। वो खुशी से उन टुकड़ों को लेकर हेम के पास भागा। उसे लगा शायद ये टुकड़े देखकर हेम भी जोश में आ जाएगा, मगर हेम का रिएक्शन बिल्कुल उल्टा था। मुझे ये चीज नहीं चाहिए, मुझे इसकी आदत नहीं, मुझे मेरा वाला ही चीज चाहिए, वही पुराना वाला चीज। बेचारा हॉ आखिर वो अपने दोस्त को कैसे समझाता कि जिस चीज की बात वो कर रहा है उसका वक्त खत्म हो चुका था। हेम को अपने टेस्ट को बदलने की जरूरत थी। कुछ न समझ पाकर निराश हॉ अपने रास्ते लौट गया। छठा स्टेज, आखिरकार चीज मिल ही गया। हॉ बेझिझक आगे बढ़ता जा रहा था। वो अपने दिमाग में अपने चीज खाने वाले विजुअलाइजेशन को देखे जा रहा था और आगे बढ़ता जा रहा था। काफी वक्त लगा। हॉ अपना दिमाग चलाने लगा और मेज के नए नए हिस्सों में घुसने लगा जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। वो कोई भी जगह छोड़ना नहीं चाहता था। इस तरह उसे जगह जगह पर छोटे छोटे चीज के टुकड़े मिलते रहे, जिन्हें खाकर वो अपनी ताकत बढ़ाता रहा और फिर आगे बढ़ता रहा। अब वो अपनी मंजिल पे पहुंचे बिना रुकने वाला नहीं था। वो अभी भी अपने पीछे मार्क्स छोड़ता जा रहा था, इस उम्मीद से कि किसी न किसी दिन उसके दोस्त की नींद खुलेगी और वो उसके साथ चला आएगा। काफी मुश्किलों के बाद आखिरकार वो दिन आया। हॉ स्टेशन एन नाम के एक स्टेशन पे पहुंचा। उसे लगा शायद यहाँ भी कोई चीज नहीं होगी, मगर कुछ टुकड़े तो मिल ही जाएंगे। वो बस ये सोच ही रहा था जब उसे वो बड़ा सा चीज का टुकड़ा दिखा। कुछ वक्त के लिए तो उसे सब सपना लग रहा था, मगर फिर उसकी नजर स्निफर्स करी पे गई। हॉ की खुशी का ठिकाना ना रहा। वो चाहता था कि हेम भी उसके पास होता। उसने उसे बुलाने का भी सोचा, मगर फिर उसे याद आया कि हेम को उसी पुराने चीज की आदत थी, इसीलिए वो उसे बुलाने नहीं गया। अगर कभी हेम को स्टेशन सी से बाहर आना पड़ा तो हॉ ने दीवार पे मार्क तो छोड़ा ही था। अब वहाँ आना है या नहीं, ये फैसला उसने हेम पर छोड़ दिया। अब कुछ और ना सोचते हुए हॉ बड़े से चीज के टुकड़े पर कूद पड़ा और जोर से चिल्लाया, बदलाव मुबारक हो। अब दोस्तों, हमारा लास्ट स्टॉप समरी स्क्वायर। दोस्तों, ये कहानी जो आपने अभी देखी, ये हम सबकी कहानी है। दुनिया का हर इंसान इस दुनिया के भूल भुलैया में अपने अपनी चीज को ढूंढने में लगा हुआ है। कुछ को चीज मिलता है, कुछ को नहीं। आपने देखा कि हमारे चारों कैरेक्टर्स के साथ बारी बारी से क्या हुआ। स्निफर्स करी ने बदलाव को जल्दी पहचान लिया, क्योंकि वो रोज चीज के खत्म होने और पुराने होने पर ध्यान दे रहे थे, और क्योंकि उन्होंने जल्दी एक्शन भी लिया, इसलिए उनकी जिंदगी ज्यादा आसान रही। हॉ ने बदलाव को पहचानने में और उसे अपनाने में देर की, जिसकी वजह से उसे काफी तकलीफ हुई, मगर काफी मुश्किल के बाद उसे पॉजिटिव रिजल्ट जरूर मिला। हेम ने बदलाव को मानने से पूरी तरह इनकार कर दिया और अपने कंफर्ट जोन यानी स्टेशन सी के अंदर ही दुबक कर बैठा रहा, जिसकी वजह से उसके हाथ कुछ नहीं आया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये किताब खरीदना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप ये बदलाव की कहानी आपके माइंडसेट में जरूर बदलाव लेकर आएगी। पिछले एक साल से मैंने टूथब्रश नहीं बदला, तू माइंडसेट बदलने की बात कर रहा है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो यार प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार। आप लोग वीडियो देख लेते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, गलत बात है, प्लीज कर दो। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।